16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना पर ऐतिहासिक जीत हासिल की और बांग्लादेश के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। भारतीय सेना की इस जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं माधोपुर में पाइप बैंड प्रदर्शन सहित एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्रों द्वारा देशभक्ति पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बड़े जोश और उत्साह के साथ स्वर्णिम विजय वर्ष मनाने के लिए किया गया। इस मौके ब्रिगेडियर राजीव कुमार एवं स्टेशन कमांडर कर्नल अमित ठाकुर ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके डीसी पठानकोट संयम अग्रवाल भी मौजूद रहे। समारोह समापन पर ब्रिगेडियर राजीव कुमार ने स्वर्णिम विजय मशाल को स्वर्णिम विजय टीम को प्रदान किया और माधोपुर से बसोली के लिए रवाना किया। '71 के युद्ध में सांबा के मदीन सेक्टर में अपना योगदान दे रहे थे। इसे और भी यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए देशभक्ति से रेजिमेंट के होनहार बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं इस पंक्ति से करता हूँ, यह युद्ध में दिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित परम सम्माननीय वीर नारियां, भूतपूर्व सैनिकगण, मिस्टर संयम अग्रवाल डीसी पठानकोट आईएएस, कर्नल अमित ठाकुर सीओ 1980 एंड स्टेशन कमांडर माधोपुर, कर्नल नीरज गौर एटम कमांडेंट माधोपुर, मिस्टर आदित्य who is the SP and सेवारत अधिकारी गण, सरदार साहिबान, प्यारे बच्चों, परिवार जन और मेरे बहादुर जवानों, आज की ये सुबह हम सभी को उन वीर सेनानियों की याद दिलाती है जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान पर खेलते हुए सन 1971 की लड़ाई में हमारे देश को गौरवशाली जीत दिलाई और स्वर्ण इतिहास रचा। एक सैनिक होना बहुत गर्व और सम्मान की बात है। अनुशासन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सच्चाई, ईमानदारी, यूनिट और देश के प्रति गर्व और
कर्तव्य निष्ठा ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि एक सैनिक को शोभा देती हैं। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो 16 दिसंबर सन 1971 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी सेना पर एक विख्यात और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और बांग्लादेश के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस जीत को हासिल करने के लिए हमारे सैनिकों ने वीरता, शौर्य और बलिदान का उदाहरण देते हुए ऐसा इतिहास रचा जो कि हमेशा हमारे देशवासियों को गर्वित करता रहेगा। ये जीत इस लिए भी बहुत खास है क्योंकि पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। 1971 का जो वॉर है वो भारत के इतिहास में एक लैंडमार्क रहा है और इसमें भारतीय सेना का जो है वो महत्वपूर्ण रोल था, उसके कारण इतिहास बदला है। और जैसा सबको पता है कि बांग्लादेश की जो फॉर्मेशन हुई है वो भारतीय सेना के उस रोल के बिना मुमकिन नहीं था। तो उसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए ये उनके 50 जो वर्ष पूरे हुए हैं उस विक्ट्री के, तो ये स्वर्णिम विजय दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है जिसमें 4 मशालें पूरे इंडिया में चलाई जा रही हैं। तो उसी के तहत एक मशाल यहाँ माधवपुर मिलिट्री स्टेशन में आई है जो आगे बशौली की तरफ जाएगी। और 19th Army Air Defense Regiment द्वारा आज इस उत्सव को रख के इसको सेलिब्रेट किया गया है जिसमें एक बहुत अच्छा कल्चरल इवेंट था और जो हमारे वीर सेनानी हैं उनको, उनकी फैमिलीज़ को आज यहाँ ऑनर किया गया है। तो मैं गर्व महसूस करता हूँ कि इस ज़िले में मेरे को काम करने का अवसर मिला है और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भारतीय सेना की जो भी मदद हो सकती है हम अपने लेवल पर करें और जो देशभक्ति की भावना है इस इवेंट से जो लोगों में पहुंचनी चाहिए वो ज़रूर जाएगी। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि और सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा इस रेजिमेंट को जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के सम्मानित किया है। जय भारत, जय हिंद। रागी होम डेकोर, गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स, सीलिंग, फर्नीचर एंड डोर पैनल एन एलिगेंट लुक, एक्सपर्ट इन यूवी पीवीसी वॉल, वॉलपेपर्स, पार्टीशन जाली, वुड फ्लोरिंग, आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स, बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113।